Namaskar, this is Dhruvajyoti Shaha once again in front of you. And here am I, back with my super series, How to Live. जी हाँ, मैं फिर से आपके सामने हूँ वही सुपर सीरीज लेकर, हमें कैसे जीना है। और आज का जो विषय है बड़ा दिलचस्प है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ बिकॉज इट इज़ यू कैन से अ कॉन्ट्रास्ट और अ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोवर्ब्स। एंड व्हाट आर दोज टू प्रोवर्ब्स? दो पुरानी कहावतें हैं और उसका अंतर हम देखेंगे और इसका अर्थ आपके लिए मेरे लिए क्या है। सबसे पहला है, एज यू सो सो शैल यू रिप। हिंदी में इसका अर्थ है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इसके विपरीत और एक कहावत है, वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वाइस इज इट्स ओन पनिशमेंट। यस, वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड एंड वाइस इज इट्स ओन पनिशमेंट। अर्थात इंसान का अच्छा कर्म ही उसका आशीर्वाद है और इंसान का बुरा कर्म ही उसके लिए सजा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या यह वाकई सच है कि जैसा कर्म हम करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है? मैं इस विषय से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन इस कहावत से मिलता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, कि इसमें लॉजिक नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि जैसा हम बीज, अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेगा, बात सही है, लेकिन इंसान के जीवन में ये हमेशा नहीं होता है। कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, जिंदगी भर मेहनत करते रहता है, लेकिन उसे बहुत कम मिलता है। और एक इंसान, उसका कुंडली मान लीजिए इतना अच्छा है, बड़ा ही आलसी है, बेईमान है, लेकिन बहुत धन दौलत कमाता है। यह मैंने देखा है, क्या आपने इस बात को गौर किया है? मैं खाने की बात करता हूँ, खाने की बात, ये मेरे नज़र में तो मैंने बार बार देखा है और देखता रहता हूँ कि जो इंसान प्लेट में खाना फेंकता है उसी की झोली में भर भर के पैसा आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, आई हैव सीन मेनी पीपल व्हेन दे ईट ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, आपने देखा कुछ लोग ब्रेड खाता है, ब्रेड का कोना फेंक देता है, एज इफ दैट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। कुछ लोग ब्रेड खाते हैं या सैंडविच खाते हैं, सैंडविच का कोना जो हार्ड जो थोड़ा है कॉर्नर, उसे फेंक देते और अंदर का सॉफ्ट क्रस्ट खा लेता है। और जनाब, इन्हीं लोगों के झोली में भर भर के पैसे आते हैं। आप मुझे पूछिए, मैं तो एक दाना फेंकता नहीं। यदि आप मेरे साथ कभी भी खाना खाने को बैठेंगे, आप देखेंगे कि ध्रुवजीत शाह कभी भी स्वाद कुछ भी रहने दीजिए, हम तो खाना नहीं फेंकते हैं, ना ही कभी फेंकेंगे, झोली में पैसे कम आएगा भी चलेगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, मैंने देखा है काफ़ी लोग स्मोकिंग करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं है। और कुछ ऐसे नौजवान हैं, बच्चे हैं, जिनको ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, बीमारी है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, कोई खराब आदत है नहीं, लेकिन कम उम्र में उनकी ज़िंदगी ख़त्म चली जाती है। क्या सच में जैसी करनी वैसी भरनी सच में ये होता है? कुछ लोग ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, नौकरी के लिए भाग दौड़ करते हैं, नौकरी मिलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग स्टैम ग्रेजुएट है, एक सिंपल एप्लीकेशन लिख नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन अच्छे से अच्छे एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे भाषा में अच्छे शब्द का प्रयोग करके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सच में वाकई क्या हम कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सोशल यू रिप? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो मान लीजिए आपका कर्म अच्छा है, आपका फल वैसा मिल नहीं रहा है। मैं आपकी बात करता हूँ, नौजवानों की। आज बहुत से नौजवान हमारे देश पे, अन्य जगह में बहुत फ्रस्ट्रेशन से भुगतते हैं, इसलिए उन लोग क्या कहते हैं, अच्छा रह के क्या फ़ायदा, अच्छा रह के देखो वो आदमी तकलीफ में है, उसका कुछ भला हो नहीं रहा है, और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उन्हीं का भला हो रहा है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो दूसरा प्रभाव है, दूसरा जो कहावत है, इंसान का अच्छा कर्म ही इंसान का आशीर्वाद है, इस बारे में मैं आपको एक फिल्म के बारे में कहना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है दास्तान।
इट वॉज रिलीज ड्यूरिंग 1970 या 72 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें थे दिलीप कुमार, शर्मिला टैगोर, बिंदु और प्रेम चोपड़ा। यह कहावत से इसका क्यों लिंक है मैं बता रहा हूँ कि इंसान का कर्म ही इंसान के लिए आशीर्वाद है, अच्छा कर्म, और इंसान का बुरा कर्म ही उसके लिए सजा है। इस कहानी में यह दिखाया जाता है, जिसमें दिलीप कुमार का रोल है, खास रोल है, और इसमें उनका जिगरी दोस्त होता है प्रेम चोपड़ा। लेकिन इनका दोस्त, जिगरी दोस्त, दिलीप कुमार को धोखा देता है और उन्हीं की पत्नी, धर्मपत्नी बिंदु के साथ एक अफेयर रखता है। उनका खास रिश्ता होता है और उसे लगता है कि दिलीप कुमार को मालूम नहीं होगा। दिलीप कुमार का नाम होता है इस फिल्म में विष्णु। लेकिन एक दिन दिलीप कुमार को ये बात पता चलता है और बात बात में प्रेम चोपड़ा को अपने घर में बुलाता है, और प्रेम चोपड़ा को यह मालूम नहीं होता है कि दिलीप कुमार को मालूम पड़ चुका है सच क्या है। तो बंदूक लेके दिलीप कुमार के पास आता है। दिलीप कुमार न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, और जब दिलीप कुमार न्यूज़पेपर हटाता है, प्रेम चोपड़ा उसका शक्ल देखता है तो चौंक जाता है। पहले प्रेम चोपड़ा बोलता है, तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, बहुत सारी बातें बोलता है। तो दिलीप कुमार खड़ा होकर बोलता है, तुम मुझे धोखेबाज कहते हो, मुझे मक्कार कहते हो, दगा देने वाला, तुम क्या हो? तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे महबूबा को छीन लिया है, तुमने तो मेरी बीवी छीन लिया। तब प्रेम चोपड़ा चौंक जाता है। तो प्रेम चोपड़ा दिलीप कुमार से कहता है, विष्णु तू मुझे मार दे, मैं जीने के लायक नहीं है। तब आपको मालूम है दिलीप कुमार अर्थात विष्णु प्रेम चोपड़ा से क्या कहता है? उसे कहता है, दोस्ती के नाम पे मैं जा, मैं तुझे माफ करता हूँ, तुझे क्या मैं सजा दूँ, तेरी गुनाह ही तेरे लिए सजा है, तू यहाँ से निकल जा। ध्यान रखिए इस डायलॉग का, इस फिल्म का एक खास डायलॉग है। दिलीप कुमार क्या कहता है? तेरी गुनाह ही तेरी सजा है, मैं तुझे क्या मारेगा। दिया दोस्तों, किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, यदि इंसान अच्छा कर्म किया है यह उसके लिए आशीर्वाद है, और यदि इंसान बुरा कर्म करता है यही उसके लिए सजा है। क्योंकि समाज को, संसार को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छाई की ज़रूरत है। हम बोलते हैं ना कि किसी को मार देंगे, लड़ाइयाँ होती है, एक ना एक दिन तो इंसान को मरना ही है, हम उसे मारें या ना मारें। लेकिन यदि हमारा कर्म अच्छा है, हमें खुद को सांत्वना होगा कि हमने ठीक किया है, हम मरेगा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे इंसान भी मरेंगे, बुरे इंसान भी मरेंगे। लेकिन मरते वक्त हमें ये तो एहसास होगा कि हमने जो किया है वो ठीक किया है, प्यार के लिए किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है। नहीं तो हम दगा देके गलत अंदाज से बहुत दौलत कमाएंगे, कुछ चीज़ हम इकट्ठा करेंगे, किसी का प्यार धोखे से प्राप्त करेंगे, लेकिन वो एक सज़ा बन जाती है और बहुत देर हो चुका होता है, और इस इंसान उस रास्ते से शायद कभी ना लौट आए। इसलिए पहली जो बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी, शायद ऐसा होता नहीं है, उससे बेटर सही या उससे बेटर जो बेहतर कहावत है वो है, इंसान का अच्छा कर्म ही इंसान के लिए आशीर्वाद है और इंसान का बुरा कर्म ही उसके लिए सजा है। धन्यवाद।